अच्छा भैया, हम बिरहा गायक गुलाब लाल यादव, ग्राम शौरम, नंदगंज, गाजीपुर के धरती से, EMD म्यूजिक, जखनिया, बुढ़ानपुर, बड़े भैया, आदरणीय परम श्रद्धेय सम्मानित हमारे गार्जियन अजीत यादव जी के देखरेख में बाबू ये बिरहा हो रहा है, और हमारे सहयोगी कलाकार और हमारे गार्जियन रामोद पहलवान नंदगंज शौरम के धरती से भी आए हुए हैं, उनका भी सम्मान है, और टुन्नू ड्राइवर और मेरा छोटा भाई ओपी यादव। आप लोग के सामने बाबू मैं एक कांड पेश कर रहा हूं, आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि आशीर्वाद जरूर मिलेगा, आप लोग जरूर पसंद करेंगे। चार लाइन भूमिका है, नारी के नैनों में ममता की वृष्टि, सकल सृष्टि की जन्मी दाता कहती, नारी के दिल में प्रबल होती निष्ठा, हमेशा पति की प्रतिष्ठा बढ़ाती, नारी की इच्छा से मिलती है शिक्षा, अग्नि की परीक्षा रामायणी भिगाती, नारी का दामन सुधा से सुहावन, नयननी पावन के जीवन बिताती। ए बाबू, नारी क्या होती है, औरत किसे कहा जाता है, एक आदर्श नारी का चरित्र क्या है, इस बिरहा में आप लोग को जरूर मिलेगा, सुनिएगा गौर से आप लोग। यहां बिरहा में गजल लगल, अवा मास्टर उठा के, कौनो प्यार में धोखा खाई, बुजुर्ग नौजवान के समझावत है, कहत लाल मान जो हमार हालत देख, मान जो का कहले रहल, दिल देता है वो दिल देता है, रो रो दोहाई किसी से कोई प्यार ना करे, लेकिन बिरहा में कितना सुंदर भाव कवि जी दर्शाए हैं। ये बाबू की सहमत के, ये भैया की सहमत के, केहू ना मिटाई सच्चाई बाटे जग जानता, मिले सभा का के वो मिले सभा का के, अपन कमाई सच्चाई बाटे जग जानता, ये बाबू ये प्रमाण है, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, जो जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन यहां बिरहा में नज्म की लाइन है, गुलाबी दुनिया में कुटिल काटों का घेरा है,
गुलाबी दुनिया में कुटिल कांटों का घेरा है, मगर गुलाबी अपने खुशबू को बिखेरा है। बिना सुहागन, बिना सुहागन के नारी जीवन व्यथा सुनिए, जिला एटा की एक कारुणी कथा सुनिए। भाग्य को कोसती आंसू सदा बहाती थी, भाग्य को कोसती आंसू सदा बहाती थी, विधवा गीता बेटा संजीवन बिताती थी। एक ही दीपक जिसके जीवन का उजाला है, एक ही दीपक जिसके जीवन का उजाला है, लाचारी बेबसी में जिंदगी जो पाला है। ए बाबू कहानी को ध्यान से सुनिए, कहानी ये शीशा दर्पण कांच की तरह झलकेगी। इटावा जिला जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, एक विधवा गीता, पति बहुत पहले साथ छोड़कर स्वर्ग में चले गए। उस गीता के पास एक ही बच्चा है जिसका नाम है दीपक। वो गीता गांव घर भैया बाबू की मटकम मजदूरी करके 10 रुपया लाती है, अपना पेट पर्दा चलाती है और अपने बच्चा दीपक को भी उसी बाबू पेट पर्दा चलाती है गरीबी में, और पढ़ाई भी दीपक की करवाती है। दीपक बाबू पढ़ते पढ़ते जब हाई स्कूल में पहुंचा, हाई स्कूल पास किया, उसी समय गीता की तबीयत खराब हो गई। सोच गया दीपक कि माँ तो अच्छी थी, 10 रुपया लाती थी, फीस कॉपी की व्यवस्था हो जाती थी और नमक रोटी भी मिल जाती थी सुबह शाम। आज माँ बीमार है, कहां से 10 रुपया आएगा। छोड़ दिया पढ़ाई, छोड़कर बाबू पढ़ाई क्या किया, बिरहा दर्द है। पता रे राम जी के, पता रे राम जी के, पातर कार ही आई आए रामा, लेकिन बाबू गाना के भाव पर आइए। दीपक क्या करता है, छोड़ी के पढ़ाई दीपक कर डाई बारी आए बाबू, छोड़ी के पढ़ा पैबे रुपैया करब माई के दवैया ये बाबू, अरे दिया भैया। सपना सजाई दीपक चल भई नया गे, मरने बाटा रखवा धक्का आकर के पाछे हो, के पास
ए बाबू दीपक जीप लेकर आगे जा रहा था सुबह, एक गांव में एक आदमी की जीप लिया, 10 रुपया कमा रहा है, सोच रहा है कि मैं अपना पेट पर्दा चलाऊंगा और अपने माता का इसी में दवा भी कराऊंगा। आए हाय रे, सुबह निकला है भोर में 5 बजे, तब तक पीछे से बाबू ट्रक आ गया, दीपक जीप लेकर बीचों बीच रोड पर आ गया, ट्रक पीछे से धक्का मारा और जीप जाकर आगे एक पुलिया में टकरा जाती है, बुरी तरह से बाबू दीपक घायल होकर गिर जाता है। बिरहा टेरी में अरे सहारा बेसहारा हो गया, अरे सहारा बेसहारा हो गया, कश्ती पड़ी भंवर कहीं माझी कहीं किनारा। आज सहारा देने वाला बाबू दीपक आज खुद ही बेसहारा हो गया। अवा मास्टर विदेशिया हो, गीता के भाई गोरख नाथ अइल घरवा हो, अरे रोई रोई पूछल अलतिया ये बहिनी, धन दौलतिया तके हु बटवाई लेला, अरे केहू ना बटावेला विपत्ति आए भई। आज हम कुछ कहल चाहता नि तोहरा से, लेकिन नहीं पार तुबा हिमतिया ये मानी के सलाह दू, अरे बियाह कैला दीपक के, अरे बन जाई कुल बिगड़ली बतिया ये बहिनी। ये बाबू वह गीता, अगल बगल के लोग दीपक को हॉस्पिटल में भर्ती कराए, गीता जाती है जाकर डॉक्टर साहब के पैरों पर गिर जाती है, डॉक्टर साहब से कहती है कि साहब हमारे कल आलो वो साहब, इनके बचा ले साहब, इनके बिना हम ना जिए वो साहब। डॉक्टर साहब बाबू बहुत कोशिश करते हैं, दीपक की जान बच गई लेकिन दोनों आंख की रोशनी चली गई। वह विधवा गीता अपने बेटा को घर लाती है, सुबह शाम दवा देती है। गीता के भाई एक दिन बाबू गोरखनाथ जब इस सूचना को पाए, अपने भांजा को देखने के लिए आए, आकर बोले कि बहन एक बात कहूं, बुरा नहीं ना मानोगी बहन। बहनिया कहलस कि भैया कहा का कहबा, यही बोले कि ये बहन दीपक की शादी कर ले, पतो आ जाएगी, 2 रोटी तुझे बना कर देगी, 2 रोटी दीपक को बना कर देगी। बहनिया कहलस कि भैया का कहत हुआ, ई हमरे अंधा लड़की से केकर बहन बेटी इतना फालतू में ये कही है के शादी करी, लेकिन भैया कहत कि शादी कराई कैसे। कचरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, लेकिन बिरहा के भाव पर आइए बाबू, कितना सुंदर भाव है। भाई कह रहा है दागी ना लागे देव कुल के ना डूब देव, दागी
दागी ना लागे देव फूल के ना डूबे देव रही नहीं दीपक मोर कुआर बहिनी तू हो खा तैयार। अरे जिया भैया भाई कह रहा कि ये बहन इस परिवार में मैं दाग नहीं लगने दूंगा, शादी करा देंगे। बहनिया कहते कैसे भैया का बतावत भैया। जगमोहन की बेटी सूरत खराब बाटे, नन्हवे में चेहरा पर गिरल तेजाब बटे, लगन धरावा बहनी सदिया रचावा बहनी, बाटे पतोहिया बिनियना। ये बाबू ओ जग ओ गोरखनाथ कहते हैं कि ये बहन एक हमारे पक्का मित्र हैं जिनका नाम जगमोहन है, उनके पास एक ही लड़की है, वो इंटर पास है, उसका ज्योति नाम है। वो लड़की छोटी थी, ताखा पर तेजाब रखा हुआ था, शीशी का तेजाब ताखा से उतार रही थी और वो तेजाब उसके चेहरे पर गिर गया, जिससे हमारे मित्र जगमोहन बहुत परेशान है, उसकी शादी नहीं हो पा रही है। इधर मेरा भांजा दोनों आंख का अंधा है बहन, मैं अपने मित्र के लड़की से शादी करा दूंगा। बहनिया बोली कि भैया आपकी यह इच्छा तो पूरा कर ली। जब बाबू गोरखनाथ अपनी बहन से इजाजत पा गया और गया जाकर अपने मित्र जगमोहन के लड़की से शादी को बाबू दिन बारी रखकर तय कर दिया, और दिन बारी लगन के हिसाब से ज्योति की शादी दीपक से हुई। और वह ज्योति जब ससुराल में दुल्हन बनकर आई है, दिन बीता, शाम हुई, इसके बाद रात हुई। ये बाबू जब सुहाग रात की पारी आई तो वह ज्योति अपने अंधे पति के पास मीठा और पानी लेकर पहुंचती। बिरहा में गीत से कितना सुंदर भाव लगल भैया, लराजी पर से प्रेम के बादा रावा हो, भीजे सोहागावा के राती हो, हे बाबू दीपक अपने नसीब पर रो रहा है, ज्योति अपने नसीब पर रो रही है। का देखो ना पवलिया अपनी दुलाहिया के, कहो विधाता बदला ले तू बड़कैया के, एक ओरिया नहरिया चमके एक ओरिया जोरिया हो, दोनों का कैसन मुलाकात हो। ये बाबू 2 महीना बीता, 6 महीना बीता, यहाँ की साल भर का दिन बीत गया। एक दिन छोटा बच्चा एक पर्ची पाया है, पर्ची लेकर आया, कहा कि ये चाची। वो ज्योति घर से बाहर निकली, कहा बेटा ये चाची बाजार में नेत्र शिविर कैंप लगा है,
दीपक चचा का आंख वहां जाकर दिखवा दीजिए डॉक्टर साहब को। पढ़ी लिखी लड़की जब पाई है पर्ची बाबू लेकर डॉक्टर साहब यहाँ पहुंची है, यहाँ बिरहा में कितना सुंदर भाव। पर्ची लेके डॉक्टर साहब के सामने जाके हाथ जोड़ के दोनों आंख में आंसू लेके खड़ी हो। डॉक्टर साहब पूछे कि बेटी क्या बात है, बताओ कैसे आई हो, बतावत थे का अपना साथ बा, अपना साथ बा सा साथिया सा जानावा के। भइल बा पहाड़ दिनवा रतिया सजनावा के, रतिया सजनावा के अपना साथ बा सा साथिया। हे डॉक्टर साहब, हमरा सैया का जैसन दिन हो इतना रात हो साहब। हे साहब, हमार सैया दोनों आंख से अंधा हुआ, आंख ना लग जाई। डॉक्टर साहब बोले कि बेटी इस समय आंख नहीं है, रोज पता लगाते रहना, आंख आएगी जिस दिन उस दिन आंख लग जाएगी। पढ़ी लिखी लड़की बड़ी खुश हुई बाबू, 10 कदम चली है घर के लिए, लेकिन फिर उसके अंदर एक भाव आया, फिर डॉक्टर साहब के सामने जाकर आंख में आंसू लेकर खड़ी है। डॉक्टर साहब बोले क्या चाहती हो बेटी, बोलो क्या कहना चाहती हो, पहले हा क्या कहलस। अपन बेटी जान माना मरो कहना, सैया के दे दामर निकाल के नावा, भले ही भिखिया मांग भिखिया देवी अप्रसन्नवा के, देवी अप्रसन्नवा के अपना साथ बासा साथिया सजनावा के। ये बाबू डॉक्टर साहब से जाकर कह रही है कि डॉक्टर साहब आंख पता न किस महीने में आएगी, कब आएगी कब नहीं आएगी। ये डॉक्टर साहब एक आंख हमारे सैया जी में नहीं लग जाएगी, अवाक हो गया डॉक्टर। डॉक्टर कहता है कि ठीक है बेटी, तुम्हारी यही इच्छा है, अपने गार्जियन को बुला लाओ, पति को बुला लाओ, तुम्हारी एक आंख लग जाएगी। लेकिन बाहरी ज्योति कुछ समय के बाद बाबू कहते हैं कि ये डॉक्टर साहब जमाना बड़ा बाबू साहब, एक आंख का कनवा कहके हमारे राजा के लोग ताना मारी हो साहब। ए साहब, हमार दोनों अखियां हमारे सैया में लगा दी, सैया 10 रुपया कमाए के लिए हम कोना में बैठ के जिंदगी बिता ले। डॉक्टर साहब बाबू सोचने लगे। डॉक्टर साहब बोले कि ठीक है बेटी, जाओ अपने पति अपने गार्जियन को बुला लाओ। पढ़ी लिखी लड़की बाबू तुरंत घर आती है, अपने पिता को बुलाती है और अपने दीपक के मामा गोरखनाथ को बुलवाती है। एक हाथ से विधवा गीता सास के कलाई को पकड़ी, दूसरे हाथ से अंधे पति दीपक के कलाई को पकड़ी, लेकर हॉस्पिटल आ जाती है। डॉक्टर साहब बाबू तुरंत भर्ती किए, ज्योति की दोनों आंख निकाल कर उसके पति दीपक में लगा दिए। आज जब बाबू एक हफ्ता के बाद दीपक कि जब पूरी आंख पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई, तो उस समय डॉक्टर साहब कहे कि दीपक आज तुम्हारे आंख की पट्टी खुलेगी, सबसे पहले किसको देखोगे बेटा। हो गया सफल तब ऑपरेशन, दीपक डॉक्टर से बोला है।
अरे देखूंगा पहले नारी को डॉक्टर पट्टी को खोला है। दीपक बोला कि ये डॉक्टर साहब सबसे पहले अपने धर्म पत्नी ज्योति को देखूंगा जो हमेशा हमेशा के लिए दोनों नेत्र दे दिए। डॉक्टर साहब बाबू ज्योति को आगे खड़ा करा दिए। वो अंधी औरत आगे खड़ी है, दीपक के आंख की पट्टी खोले। जब पड़ी नजर नारी ऊपर दीपक ज्योति को देखा है, अरे पर सूरज संग ना रहूंगा मैं, वह खींचा लक्ष्मण रेखा है। डॉक्टर साहब बाबू जब पट्टी को खोले, वो पापी गद्दार चार कदम पीछे हट गया। कहा कि रे डॉक्टर साहब इसका चेहरा तो बहुत खराब है, लोग समझा रहे हैं, उतना ही में भीड़ लग गई, कोई कुछ कहता है, लेकिन ज्योति हाथ जोड़कर कर रही है। अब बिरहा में भाव अरे अपन अखिया देखती अपन, अरे अपन अखिया देखती अपन हो गई मुदैया। ये बाबू भीड़ लग जाती है, कुछ लोग दीपक को डांट रहे हैं, लेकिन ज्योति आवाज पाकर उधर हाथ जोड़ रही है कि आज हमारे यहाँ आज हमारे सैया में चल गई ले तो बड़ा हमके बैरी मुदई दुश्मन समझते, नहीं तो ई आँख जब तक हमारे शरीर में थी तो हमको बहुत अच्छा समझी। अरे अपन अखिया देख दी अपन, अरे हो गई मुदैया हमारी तोहार, तो सुबह हमारी तोहार तो नहीं खसैया हो। ये बाबू ज्योति कही कि सैया आपका कोई दोष नहीं है, आप तो अपने जगह पे है, आज हमारी यहाँ आप में चली गई तो आज हमको बैरी दुश्मन मुदई अरी समझ रही है। बिरहा में ये बाबू उसी समय दीपक सबको हटा कर वहां से चल देता है, आ गया घर। और उसी समय जगमोहन कहते हैं कि ये बेटी मेरे साथ घर चलो, लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि नहीं नहीं ये लड़की फार्म भरी है, ये हमारे घर धर्म की बेटी बनकर रहेगी, जब आंख आएगी तो मैं इसको आंख लगाकर इज्जत से घर पहुंचा दूंगा। सब लोग चले गए, वो दीपक अपने गांव आता है, 2 महीना 4 महीना यहाँ तक कि 4 साल का दिन बीत गया। जब तनी खा पी कर वो मोटा गया तो अपने दयादी के भौजाई से कहा कि ये भौजी हमारी शादी ना करा देबू। भौजैया कितना अवह ताना मरले अवलदार भैया अवा पपट। तोहरे करने पर अरे थूका समाज लाजना तोके बा, तोहरे पियही के दुनिया में दाज लाजना तोके बा। भौजैया कहलस कह रहे पापी गद्दार शर्म नहीं आती है तुझको, शादी करने के लिए कहते हैं पापी जवन की ज्योति ज्योति दिहलत वो करना भैले बाजी रे, अब ना तोरा हरदी लागी कबो ना बाजा बाजी रे, सपना पत्थर पर चेहरा कमता जला जना तो के बा, अगे भी होले भी यही धोखे बाज कहलस के रे पापी
जौन लड़की हमेशा के लिए दोनों नयन की ज्योति दे दी, जब तुम उसका नहीं हुआ रे गद्दार तो किसका तुम होगा। यहाँ बिरहा आल्हा है। नासवर बदनिया होले नासवर सारी दुनिया भैया, फिर काहे करला तू मनाई ना, याद में पको ए बाबू। वो भौजाई इतना कस के ताना मारी कि दीपक का उस समय दिमाग खुल गया, कहा कि भाभी मैं बहुत बड़ा गलती किया। उसी समय वो कसम खाया कि चल के मैं अपने पत्नी को खोजूंगा ढूंढूंगा, अगर मेरी पत्नी नहीं मिलेगी तो चल के गोरखपुर जोगी बन जाऊंगा, लेकिन अपने गांव इटावा कभी वापस लौट कर आऊंगा नहीं। जब बाबू वो निकला है खोजने के लिए, खोजते खोजते जब ज्योति नहीं मिली तो दीपक गोरखपुर का रोड पकड़कर जा रहा है। रात के समय 10 बज रहा था। डॉक्टर साहब फोर व्हीलर गाड़ी से आ रहे थे। डॉक्टर साहब के गाड़ी का प्रकाश जब दीपक के ऊपर पहुंचा, डॉक्टर साहब पहचान गए ये वही लड़का है। जाकर डॉक्टर साहब पूछे कि कहाँ जा रहे हो बेटा, दीपक सारी बात बताता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि बेटा चलो हमारे घर रात बिता लेना, सुबह इसके बाद गोरखपुर चले जाना। डॉक्टर साहब जब अपने घर ले गए दीपक को, बैठाए, आवाज दिए अपने बेटी से कि ये बेटी श्वेता पानी लाओ, देखो कोई मेहमान आया है बेटी। वो लड़की लिया कर बाबू पानी मीठा रख कर चली गई। जैसे दीपक एक हाथ से गिलास का पानी उठाया है एक हाथ से मीठा, उसी समय डॉक्टर साहब एक बात कहते हैं खड़ी भी, डॉक्टर साहब यही कहे कि ये दीपक शादी करोगे, हमारे पास एक ही लड़की है, कितना धन दौलत चाहे बोलो बेटा। लेकिन दीपक कहता है, क्या कहता है, दूसर दुलहिया ना हीरा ना मोती चाहिए हो, भूल हो ना दोबारा हमारे ज्योति चाहिए हो, कहता है कि डॉक्टर साहब मैं बहुत बड़ा गलती किया, आप शादी करने के लिए कह रहे हैं आपका पानी नहीं पीऊंगा, मैं जा रहा हूं। डॉक्टर साहब कहे कि अरे बेटा बैठो बैठो, ज्योति हमार रहल सतिया न सुइया, वकरा बिना जी अपना देदा जहर वाली सुइया, अंधकार जीवन बा अरे जीवन ज्योति चाहिए हो, भूल हो ना तो पर अमर ज्योति चाहिए। दीपक बोला कि डॉक्टर साहब बस हमें हमारी ज्योति चाहिए, अगर ज्योति नहीं मिलेगी तो जोगी बन जाऊंगा। डॉक्टर साहब बोले कि अरे बेटा यही तुम्हारी पत्नी ज्योति है, जिसको मैं धर्म की बेटी बनाकर रखा, प्लास्टिक सर्जरी से इसका चेहरा भी सही कर दिया,
आंख भी लगा दिया, इसका नाम श्वेता रखा है रे बेटा, यही तुम्हारी ज्योति है। ये बाबू डॉक्टर साहब इज्जत से अपनी बिटिया की तरह ज्योति को गाड़ी पर बैठाकर धन दौलत बाबू हर एक चीज देकर विदा किए दीपक के साथ। अब गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल वर्मा का स्वर्ग बसा चंद्रिका कवि बच्चन का विजय पताका, अरे सहारा बेसहारा हो गया, अरे सहारा बेसहारा हो गया गुलाब।